नमस्ते, निक्की ब्लॉग डेली रेसिपी में स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ मटर आलू पनीर कटलेट, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मार्केट में 150 रुपए के दो मिलते हैं। आप 100 रुपए में अपने घर में पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ 5-6 आलू लिए थे, जिनको मैंने इस तरीके से मसल लिया है। 250 ग्राम के करीब मैंने ले ली है मटर, तो हम इनको भी इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। तो यहाँ हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने मैश कर लिया है। 200 ग्राम के करीब ले लिया है मैंने पनीर, तो इसमें अपना पनीर भी ऐड कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। घर में ही आप अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे कटलेट बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ हमने पनीर डाल दिया। अब आती है मसालों की बारी। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच लिया है काली मिर्ची, 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1.5 चम्मच के करीब मैंने आमचूर पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच के करीब ले लिया है गरम मसाला। तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो अपने कटलेट के मसाले को मिक्स कर लेते हैं। घर में ये मसाले सबके होते हैं, तो इजीली आप भी बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे एक अच्छी सी चटनी। तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च ले ली है, 150 ग्राम के करीब धनिया और 3 टमाटर लिए हैं। तो इनको कट कर लेते हैं और बना लेते हैं एक चटनी। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब काली मिर्ची ली है, 1 चम्मच के करीब जीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच ही डाल देंगे इसमें सौंफ। सौंफ से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच के करीब डाल देंगे नमक और इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ हम अपनी चटनी ग्राइंड कर लेते हैं। हमारी चटनी बन गई है, तो इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। यहाँ डाल देते हैं 1 नींबू, नींबू से और खट्टी हो जाएगी। तो चलिए अब एक बैटर तैयार करते हैं अपने कटलेट के लिए। 1.5 कटोरी के करीब मैंने यहाँ बेसन ले लिया है, 1 चम्मच डाल दिया अजवाइन, 1 चम्मच डाल देते हैं नमक, 1 चम्मच डाल दूंगी लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच के करीब डाल देती हूँ सूखा धनिया पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिए। अब एक अच्छा सा बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमको ना ज्यादा पतला बनाना है ना ज्यादा गाढ़ा बनाना है, इस तरीके का बैटर तैयार करना है। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं मोटे वाले सेब। अब आप सोच रहे होंगे सेब का क्या करना है, तो वो आगे बताऊंगी। तो चलिए कढ़ाई रख देते हैं, कढ़ाई में डाल देते हैं तेल। अब ले लेते हैं अपने कटलेट की बॉल, बना लेते हैं कटलेट के लिए। इस तरीके के शेप में मैंने बना लिया है यहाँ कटलेट। अब डालते हैं इसको बेसन में। अब यहाँ ये जो सेब लिए है ना, इसमें हम इसको कर लेते हैं, जिससे कि हमारी अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी और हमारा कटलेट इजीली सिक जाएगा। यहाँ हमने इसे नमकीन में अच्छे से लपेट लिया है। डाल देते हैं कढ़ाई में। बेसन वाले कटलेट बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, तो जल्दी से निकाल लीजिएगा, नहीं तो आपका कटलेट जल जाएगा। अगर आपके पास नमकीन नहीं है ना, तो आप ब्रेड का पैकेट लेकर उसको मिक्सी में दरा पीस कर उसमें एक कटलेट को लपेट कर बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ हमारे हो गए हैं। अब हम कुछ बनाएंगे सूजी से। अगर कुछ भी नहीं है तो हम सूजी ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक ले लिया है सूजी में, इसको लपेट लेते हैं। और इससे क्या होगा ना, हमारा जो आलू का टिक्का है वो बिखरेगा नहीं। तो चलिए डाल देते हैं कढ़ाई में। तो इसी तरीके से हम अपने सारे कटलेट तैयार कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप अपने घर में मार्केट जैसे कटलेट बना सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, घर के ही मसालों से आप पूरी फैमिली के लिए अच्छे कटलेट बना सकते हैं। देखिए हमारे सूजी वाले भी बहुत ही अच्छे बने हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखिए ये हमारा सूजी वाला है, कितना क्रिस्पी बना है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ हमारे तैयार हो गए हैं अच्छे से कटलेट। तो यहाँ मैंने 2 रख लिए हैं नमकीन वाले और 2 हैं मेरे सूजी वाले। तो इसके ऊपर डाल देते हैं हम चटनी। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें पनीर कद्दूकस कर लेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आप भी ट्राई करके जरूर देखिएगा।